एमडीयू देश का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान होगा जो मूक बधिर के लिए कोर्स शुरू करने जा रहा है। एमडीयू में 2022-23 के लिए इस कोर्स की शुरुआत होने वाली है। डिप्लोमा टीचिंग ऑफ साइंस लैंग्वेज एंड डिप्लोमा इन साइंस लैंग्वेज इंटरप्रेटर 30-30 सीट्स निर्धारित की गई हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि एमजीयू देश का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान होगा जो ये कोर्स बच्चों के लिए शुरू करने जा रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा और हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर दो कोर्स शुरू करने जा रहा है। 2022-23 सेशन से ही एमजीयू में इन कोर्सों की शुरुआत होगी। जानकारी देते हुए एमजीयू के सेंटर ऑफ राधेश्याम ने बताया कि एमडीयू देश का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान होगा जो इस साल कोर्स की शुरुआत करेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस कोर्स में फिलहाल 30-30 सीटें रखी गई है जो समय के साथ साथ बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस कोर्स में रोजगार के लिए अपार अवसर मिलेंगे। और आज का हम ये बताना चाहते हैं कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय न केवल हरियाणा में बल्कि मैं समझता हूँ कि भारत में भी पहला विश्वविद्यालय होगा जो कि इस प्रकार के जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित दो स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं हम इस वर्ष से। एक डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज और दूसरा हमारा जो है इंटरप्रेटर का डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रटेशन है। दोनों में 30-30 सीट हैं, आरक्षित हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ही दाखिला करेगी और इसमें अभी इमरान ने बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट की, मैं उनको पुनः नहीं दोहराऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा फील्ड है जो समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है और ये संप्रेषण से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति संप्रेषण कर ही नहीं पाएगा तो अपनी बात ना दूसरे को बता सकता, ना दूसरे की समझ सकता, तो इसमें बड़ी दिक्कत है। इसी को देखते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों ही NEP का एक वर्ष हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि साहब साइन लैंग्वेज एक मस्ट है, जरूरी है, और उसको देखते हुए ये इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च। सत्य खबर के लिए पलवल से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक